अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके सर में मुस्तकिल दर्द हो रही है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और आँखों का सर दर्द के साथ क्या ताल्लुक है? मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट नाइस स्पेशलिस्ट हूँ। डिफेंस फेज 4-5 के अंदर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और मरहम के थ्रू आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे मुतालिक हम एक सवाल इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसका जवाब देने पे आपको मेरे साथ एक ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी थ्रू द मरहम प्लेटफॉर्म। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। आज का जो टॉपिक है वो है सर दर्द और आँखों के क्या ताल्लुकात हैं और बेसिकली आई ग्लासेस से रिलेटेड और सर दर्द से रिलेटेड ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर दर्द की क्या वजूहात होती हैं। सर दर्द की कोई तकरीबन 30-40 डिफरेंट वजूहात हैं, जिनमें से टॉप के ऊपर आई ग्लासेस हैं। अगर आपकी आँखों को किसी भी वजह से गैर ज़रूरी दबाव का सामना है, या आपकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपकी आँख को जो ऐनक का नंबर चाहिए वो सही नहीं है, तो उस सूरत में आपको चेहरे के ऊपर आधे सर के अंदर चेहरे के किसी फेस के किसी हिस्से के ऊपर आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। ये दर्द कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों और कई दफ़ा कई कई दिन तक भी जा सकती हैं, और स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये फील होती है जिन लोगों का नियर वर्क ज़्यादा है, चाहे वो स्क्रीन के ऊपर है, चाहे वो रीडिंग राइटिंग के ऊपर है, या वो उनका कोई ऐसा काम है जिसमें वो नज़दीक का काम कोई आर्ट वर्क करते हैं, तो उन लोगों के अंदर ये ट्रिगर्स ज़्यादा होती है। बेसिकली सर दर्द की जो यहाँ पे फेस और हेड एरिया के अंदर जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर टॉप में आई ग्लासेस, आई के प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड साइनोसाइटिस है, थर्ड मिग्रेन है। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरमिंगल होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब भी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपसे कुछ सवाल करेंगे। वो सवाल इस चीज़ से मुतालिक होंगे कि आया आपका नाक बंद रहता है, कोई आपको ड्रिपिंग तो नहीं होती, पर्टिकुलरली जो हेडेक आपको ट्रिगर होता है वो नज़दीक देखने पे तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के ऊपर तो नहीं होता, स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, उस किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, किस चीज़ से प्रॉब्लम कम होती है, ग्लासेस का नंबर ठीक है, नज़र ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बहुत सारे सवाल हैं, जब हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जो कि हेडेक के साथ आए तो हम उनसे ये सारी की सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं और आपके ग्लासेस का नंबर चाहे वो माइनस के अंदर ज़्यादा है या प्लस के अंदर रिक्वायर्ड से कम है, या आपको कोई सिलेंड्रिकल नंबर है जो कि चेंज हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर आपको हेडेक्स ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगी। खसूसी तौर पे टीनेज के अंदर या इवन आफ्टर 30s एंड अर्ली 40s, जब आपको नज़दीक का काम करने में प्रॉब्लम होना शुरू होती है, उस वक्त ये हेडेक्स और ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। अगर आपको कोई भी हेडेक हो रही है और आप ऐनक नहीं इस्तेमाल करते हैं, या ऐनक इस्तेमाल करते हैं और बहुत देर हो गई है आपको चेकअप करवाए हुए, तो आपको फौरी तौर पे अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि आपकी ऐनक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। कुछ लोगों के साथ ये इंसिडेंस भी होता है कि पुरानी ऐनक इस्तेमाल कर रहे थे तो बेहतरीन था, जैसे ही हमने नई ऐनक बनवाई तो हमारे हेडेक्स बढ़ गए हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि फ्रेम का सही सिलेक्ट ना करना, नंबर का ठीक तरीके से ना बना होना, या वो जो ग्लासेस हैं वो आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, और वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये ग्लासेस आपके लिए फ़िट हैं भी या नहीं। छोटे बच्चे जिस वक्त हेडेक्स की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, खसूसी तौर पे 3 साल 4 साल 6 साल तक के बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, उनकी बहुत सारी रीजंस के अंदर से एक रीज़न जो है वो आई साइट का ठीक ना होना है। तो अगर आपका बच्चा भी बार बार हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है तो एक दफ़ा आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि उसको सही नज़र आ रहा है दोनों आँखों से या नहीं। और ऐसे बच्चों को या इवन बड़ों को भी जिनको ये ग्लासेस का प्रॉब्लम या आई साइट का प्रॉब्लम है, हम उनकी आंखों में ड्रॉप्स डाल के हम उसको रिपीट करते हैं बार बार एग्जामिनेशन के, एग्जैक्टली कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आंखों की जो फोकसिंग मोटर्स हैं वो काम ठीक नहीं कर रही। अगर आपको किसी किस्म का हेडेक्स की प्रॉब्लम है तो आई साइट इज़ द फर्स्ट थिंग टू गेट इट चेक। वो आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स, बाकी सारे जो डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और इवन ENT स्पेशलिस्ट, ये सारे भी जिस वक्त ये हेडेक
को फेस करते हैं, इनके पेशेंट्स देखते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि अपनी आई साइट चेक करवाएं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आंखों के अलावा कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक्स ट्रिगर हो सकती हैं। इस सवाल का सही जवाब देने पर आपको नीचे कमेंट्स में मरहम की तरफ से एक ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थ्रू द मरहम प्लेटफॉर्म। जज़ाकअल्लाह।